वतन मेरे वतन ऐ वतन माता की मेरे वतन। देश की सीमाएं तो सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए भारत को चाहिए था एक समावेशी संविधान। 1949 में गठित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान पर काम कर रही थी। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र भारत ने राजपथ पर जब परेड निकाली तो दुनिया ने राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा देखी। ये भारतीय संविधान का ही कमाल था कि 1951 में देश के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार मिला। जनाबे अली, उस वक्त भी दुनिया के कई विकसित देश ऐसे थे जहां सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में 21 साल से ऊपर हर महिला को, पुरुष को, वृद्ध को या हर किसी को वोट देकर अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता प्रदान हुई। अपने मनपसंद नेताओं को सुनने के लिए हजारों की भीड़ में जनता जुटी और 489 सीटों की संसद में 364 सीटें कांग्रेस को देकर पंडित नेहरू को पहले चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता सौंप दी। भारत की उन्नति की, तरक्की की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए 9 जुलाई 1951 को पंडित नेहरू ने शुरू की पहली पंचवर्षीय योजना। और आजाद इंडिया का जोश और जज्बा देखिए कि पहले साल के 2.1 के जीडीपी लक्ष्य के मुकाबले भारत की तरक्की की रफ्तार थी 3.6%। जनाबे अली, इंडिया तैयार था, हिंदुस्तान तैयार था, भारत तैयार था।